वेस्टइंडीज ने पांचवें और आखिरी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 2-2 से बराबरी कर ली। ओशन थॉमस ने 21 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जिससे इंग्लैंड की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 28.1 ओवर में 113 रन पर ढेर हो गई। ये वेस्टइंडीज की सरजमी पर मेजबान टीम के खिलाफ इंग्लैंड का एक दिवसीय मैचों में सबसे कम स्कोर है। इस मैच में खास बात ये रही कि वेस्टइंडीज एक समय तक 5 विकेट के नुकसान पर 111 रन बना चुकी थी। लेकिन फिर थॉमस की घातक गेंदबाजी के चलते ये टीम अपने स्कोर के महज 113 रन पर ऑल आउट हो गई। ग्रेस आइलैंड में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने 111 रन पर 6ठा विकेट एमएस अली के रूप में गंवाया। इस स्कोर पर 7वां खिलाड़ी भी पवेलियन वापस लौट गया। इसके बाद 113 रन पर ही 8वां, 9वां और 10वां विकेट बिखर गया और वनडे क्रिकेट में दुनिया की नंबर एक टीम ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज की टीम ने इसके जवाब में गेल की 27 गेंदों में 5 चौके और 9 छक्कों की 77 रन की पारी की बदौलत 12.1 ओवर में 3 विकेट पर 115 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज ने इसके साथ ही 30 मई से शुरू हो रहे एक दिवसीय विश्व कप के मेजबान के सीरीज में बराबरी पर रोक कर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए अपनी मजबूती दावेदारी पेश कर दी है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।